फ्रेंड्स, मैं देखिए अब ट्रायल ले रहा हूँ इसका और आप देखेंगे एक अलग सी नॉइज आ रही है जैसे सीटी मारने की, और जैसे ही मैं खींचूंगा इसमें देखिएगा चेक लाइट भी आ जाएगा। अब देखिए, और जैसे ही ये चेक लाइट आई पिकअप बिल्कुल गिर गया, पिकअप लो हो गया। अब देखिए नजदीक से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो रिंग्स बंद करके आ रही है ना इसकी, इसके बाद से क्या है कि पिकअप बिल्कुल लो हो गया गाड़ी में। तो ये कहां से है, आइए हम इसमें डायग्नोस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज फ्रेंड्स, आज का वीडियो फोर्ड फिगो पे बनाने जा रहा हूँ। इसमें पिकअप प्रॉब्लम है और ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम है, ब्लैक स्मोक भी दे रही है और पिकअप भी दे रही है। तो मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, टेस्ट ड्राइव लेते ही मुझे पता चल गया कि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम है। इंटेक ये कोई ना कोई पाइप या इंटेक या कहीं ना कहीं से जो है इसमें लीकेज है, ईजीआर वगैरह या वैक्यूम के पाइप भी निकल जाते तो भी ये इशू आता है। तो लेकिन मैं ये स्कैन कर ले रहा हूँ, देखिए स्कैनिंग में जो है फॉल्ट कोड जो है P22 और 79 आया है। आप चाहे तो इस पर गूगल भी कर लेंगे तो लीकेज का ही प्रॉब्लम उसमें आएगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। स्टार्ट करो, अब देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, रेस 2 RPM। तो इसमें बताया कि मैंने कि लीकेज की प्रॉब्लम है। तो इधर हम देख रहे हैं इंटरकूलर वगैरह सही है, और इधर ईजीआर लगा होता है इसका पीछे साइड में, वो भी देखा सही है। और यहाँ पे आइए मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखिएगा, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, एक फ्लैश जला दें। अब देखिए यहाँ पे ऑयल का लीकेज है। अब देखिए ये ऑयल का लीकेज जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब मैंने हाथ डाला तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये वाला इंटेक का पाइप जो है इसका, जो इंटरकूलर से आ रहा है, ये लीकेज है। तो अभी हम इसको खोलवाते हैं। खोलो जरा, आराम से पूरा निकालिए पाइप बाहर। इधर ले आइए एक मिनट, हाँ दबाओ जरा। आप देख सकते हैं ये वाला पाइप लीकेज है। आप देखिए ये वाला, तो यहाँ से क्या हो रहा था कि एयर लीकेज कर रहा था, इस वजह से जो है इसमें चेक लाइट आ जा रही थी जो रिंस बन करके आती है, उसके बाद पिकअप इसमें लो हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका पाइप जो है नया डालते हैं, और नया डाल करके, और यहाँ पे देखिए अभी देखिए पूरा आयल भी लीकेज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयल का लीकेज। तो बहुत छोटा सा फॉल्ट था इसमें, बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है, और इसको अभी पाइप को लगा करके फिर ट्रायल लेकर हम देखते हैं। अब देख सकते हैं ये फिर हमने नया ले लिया है, पुराना वाला देखिए उधर रखा है। तो अब इसमें चला करके हम चेक कर ले रहे कि क्या हो, ये फुल टाइट है ना, ठीक। तो ये देखिए ये सब टाइट उट हो गया, और हम स्कैन करके भी चेक कर ले रहे हैं कि जो फॉल्ट कोड आ रहा था क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए अपने आप ही लाइट चली गई, जैसे हम ये चाबी ऑन करेंगे देखिएगा, जो ये वाली लाइट आ रही थी ना, देखिए अपने आप चली गई। तो हम गाड़ी स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करने के बाद अभी हम टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं कम से कम 50 किलोमीटर का। जैसे 100 पे जाती थी तो ये चेक लाइट आ जाती थी, तो फिलहाल लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि पाइप फटा हुआ था, जाहिर सी बात है वहां से लीकेज हो रहा था यार, इस वजह से आ रहा था, और ब्लैक स्मोक जो भी कर रही थी इसमें, और पिकअप का इशू था, सिर्फ एक छोटी सी पाइप की वजह से था। लेकिन फिर भी हम इसका टेस्ट ड्राइव लेता हूँ अभी,